अब हम पढ़ते हैं गांधी जी के बुनियादी तालीम के मुख्य गुण। बुनियादी तालीम एक महत्वपूर्ण है, इस पर व्यय भी कम होता है, परंतु इसमें शिक्षा के मुख्य विचार और सिद्धांत हैं जिनके कारण देश विदेश के शिक्षा शास्त्रियों ने इसका आदर किया और इसे महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्मिति के अनुसार यदि उसे उचित रूप से कार्य रूप दिया जाए तो आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और लोग अपने अवकाश का लाभ पूर्ण उपयोग कर सकेंगे। अब है बुनियादी तालीम के कौन कौन से मुख्य गुण हैं। सबसे पहला है शिक्षा का आधार बालक। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के मतानुसार बुनियादी तालीम बालक के शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा उसे उन्हें उपलब्ध कराना स्वीकार किया जाना है। रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, हर्बर्ट ड्यूवी जैसे महान शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा में इस बात पर बल दिया कि बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचियों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है क्रिया के द्वारा सीखना, मतलब बच्चा जो करके सीखता है वो उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है। क्रिया के द्वारा शिक्षा बुनियादी तालीम का आधार है। यह सोचना भारी भूल है कि पुस्तकों से ही शिक्षा प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्ति में दूसरी प्रणालियां और साधन अधिक सहायक होते हैं। बातचीत तथा चाक भी शिक्षा में बहुत लाभदायक नहीं है। सभी शिक्षा शास्त्रियों ने निरे पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और गांधी जी का विश्वास था कि स्कूल क्रियात्मक होना चाहिए। बुनियादी तालीम में बच्चे एक महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण क्रिया के साथ औपचारिक विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। उसके बाद था आत्मनिर्भरता। इस योजना का एक गुण सीखने के साथ आय प्राप्त करना है। भारत जैसे निर्धन देश में बुनियादी तालीम के आत्मनिर्भर तत्वों का स्कूलों में एक महत्व है। स्कूलों को बिना आत्मनिर्भर बनाए संविधान में प्रस्तावित अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन प्रतीत होता है। इसके अभाव में स्कूल जाने वाले बालकों को शिक्षा देने के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। उसके बाद चार नंबर है शिक्षा का जीवन से महत्व। एक बुनियादी स्कूल का वातावरण सामाजिक जीवन के वातावरण को भिन्न नहीं होना चाहिए। स्कूल जो कि समाज का एक छोटा रूप है, इसका समाज से संबंध रहना चाहिए। शिक्षा का संबंध जीवन की आवश्यकताओं से होना चाहिए। उसके बाद है सात वर्ष की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि माता पिता को कोई शुल्क नहीं देना होगा और वे बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। गांधी जी ने लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा का समय 7 वर्ष होगा और उसका स्तर अंग्रेजी को छोड़कर मैट्रिक के बराबर होगा और इस शिक्षा का माध्यम व्यवसाय होगा और इसके द्वारा ही वर्तमान प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद अध्यापक और बालकों को अधिक स्वतंत्रता। बुनियादी तालीम में अनुशासन का अर्थ भय नहीं है वरन स्वतंत्रता का उचित प्रयोग करना है। अध्यापक को स्वयं सोचने और प्रयोग करने से अधिक अवसर मिलते हैं और इस प्रकार वह अपने विचारों और योजनाओं को क्रियात्मक रूप दे सकता है। उसके बाद है बुनियादी तालीम में हस्तकला शिक्षा का आधार है। हमने पहले भी पढ़ा है कि उन्होंने बुनियादी शिक्षा में हस्तकला को महत्वपूर्ण माना है कि बच्चों को हस्तकला की शिक्षा है वो दी जाने चाहिए। हस्तकला बुनियादी तालीम का माध्यम है और गांधी जी ने कहा कि मेरा हस्तकला सिखाने का सुझाव केवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं है वरना इसके द्वारा बालकों के अभिरुचियों को विकसित करना है और इसके विचारानुसार शिक्षा में योजना, सामूहिक कार्य और उत्तरदायित्व समझने के भाव जागृत करना है। उनके विचारानुसार समस्त शिक्षा का आधार हस्तकला तथा उद्योग होना चाहिए। उसके बाद है संपूर्ण शिक्षा। बुनियादी तालीम में शिक्षा को संपूर्ण ज्ञान माना गया है। समस्त शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 पहलुओं पर आधारित है, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और हस्तकला कार्य। नागरिकता में प्रशिक्षण। बुनियादी तालीम का उद्देश्य अपनी क्रियात्मक क्रियाओं द्वारा बालकों में आपसी सद्भावना और सहयोग उत्पन्न करना है। इस नई शिक्षा का उद्देश्य नागरिकता के गुण, व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व और निपुणता उत्पन्न करना है। इसके द्वारा उनमें अपनी उन्नति और सहयोग तथा सेवा द्वारा समाज को उन्नत बनाने की भावना को बल मिलेगा। उसके बाद है बुनियादी तालीम किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। बुनियादी तालीम का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें गरीब अमीर का अंतर नहीं होगा और प्रत्येक को जीविका उपार्जन और वेतन और स्वतंत्रता का अधिकार होगा। उसके बाद है मातृभाषा का महत्व। अब गांधी जी ने सबसे पहले यही कहा था कि बच्चे की जो बुनियादी शिक्षा है वो हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि मातृभाषा द्वारा ही उचित शिक्षा दी जा सकती है। विदेशी भाषा के माध्यम के द्वारा हम मौलिक कार्यों के अयोग्य हो जाते हैं।
इससे केवल हम रटना और अंकगणित ही सीखते हैं। जब तक मनुष्य मातृभाषा में प्रभावपूर्ण लिखना बोलना नहीं सीखता, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं आती। इसके द्वारा ही बालक को गौरवपूर्ण अतीत की जानकारी कराई जाती है। इस प्रकार उसे सामाजिक शिक्षा मिलती है, जिसके द्वारा नैतिक गुणों का विकास होता है। इतना ही नहीं, मातृभाषा अपने भावों को व्यक्त करने का एक अच्छा साधन है, और यदि इसका उचित प्रयोग किया जाए तो साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। उसके बाद है ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में बुनियादी तालीम। यह सोचना भूल है कि बुनियादी तालीम गाँव के लिए। वास्तव में एक दृष्टिकोण से गांव की अपेक्षा नगरों में बुनियादी तालीम की अधिक आवश्यकता है। गांव में बालक अपने माता पिता के साथ खेत और परिवार के व्यवसाय में कार्य करते हैं तथा उससे ही संबंध शिक्षा पाते हैं। बच्चों को कार्य करते समय वास्तविक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, और जो अनुभव से प्राप्त करते हैं वे उनकी शिक्षा द्वारा और भी विकसित होते हैं। बुनियादी तालीम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, इसके अंतर्गत गांव और नगर दोनों ही आते हैं। स्थानीय परिस्थितियों द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हस्तकला निश्चित ही की जा सकती है, और उनके इसके ही कारण विभिन्न क्षेत्रों का पाठ्यक्रम भिन्न हो सकता है। उसके बाद है बुनियादी शब्द का महत्व। बुनियादी शब्द का आधार नींव है, जिसका अर्थ नींव अथवा बुनियाद है जिस पर किसी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है। यह बुनियादी है क्योंकि शिक्षा का न्यूनतम स्तर निश्चित करती है। इसे प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय बालक को है। दो नंबर है, यह बुनियादी है क्योंकि यह स्थानीय साधनों का प्रयोग करती है। तीन नंबर, यह बुनियादी है क्योंकि इसका संबंध देश के साधारण लोगों से है, जो राष्ट्रीय जीवन का आधार है। चार नंबर, यह बुनियादी है क्योंकि इसका आधार प्राचीन भारतीय सभ्यता है। पाँच नंबर, यह बुनियादी है क्योंकि इसका संबंध बालक की मूल आवश्यकताओं और अभिरुचियों से है। छः नंबर, यह बुनियादी है क्योंकि इसका प्रथम स्थान, उसका अर्थ प्राथमिक शिक्षा अर्थात शिक्षा क्षेत्र का प्रथम चरण है। नंबर सात, यह बुनियादी है क्योंकि इसका संबंध देश के साधारण लोगों से है, जो राष्ट्रीय जीवन का आधार है। उसके बाद बुनियादी तालीम की आलोचना, उनकी क्या क्या आलोचनाएं थी उस पे देखिए। सबसे पहले है समन्वय का आधार हस्तकला व अस्वाभाविक कार्य। किसी भी सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली में हस्तकला द्वारा पाठ्यक्रम के सभी विषयों का संबंध स्थापित करना एक अस्वाभाविक कार्य है। अध्यापन प्रभावपूर्ण होना चाहिए, इसलिए उसका संबंध बालक के निजी अनुभवों से होना चाहिए। अतः यह भारी भूल है कि समस्त ज्ञान का केंद्र हस्तकला रखा जाए। मतलब हर सब्जेक्ट को हस्तकला से जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। हस्तकला एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लागू किया जाए, तब तक यह ठीक है। औद्योगिक समय में बुनियादी तालीम उपयुक्त नहीं है। पंचवर्षीय योजना और सरकार की समस्त नीतियां औद्योगिकरण की है। ऐसी नीति में बुनियादी तालीम विचारधारा के लिए प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य का सामूहिक विकास करना है। अतः ऐसे देश में जहां सामूहिक आर्थिक विकास करना है, वहां हस्तकला पर जोर देना आवश्यक नहीं है। अभी तक बुनियादी तालीम राज्य की आर्थिक नीति से समन्वय स्थापित नहीं कर पाई है। दोष युक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, इसमें बालक के मानसिक विकास से संबंधित कोमल तथा महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। बालक को एक सिपाही तथा सैनिक के रूप में अन्य साधारण लोगों के रूप में समझा गया है। उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की अवहेलना की गई है। उसे एक उद्देश्य की पूर्ति में साधन समझा गया है, वह उद्देश्य जीविका कमाना है। अध्यापकों को प्रशिक्षण एवं वर्धा योजना में बालक मनोविज्ञान की अवहेलना स्पष्ट है। सभ्य संसार में उदार शिक्षित लोगों का विश्वास है कि 12 वर्ष की आयु से पूर्व बालक को हस्तकला सिखाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। जिस आयु में बच्चे को खेलना मनोरंजन करना चाहिए, उस आयु में उसे एकाध रुपया प्रति घंटे की आय करने के लिए बाध्य करना उसके प्रति एक प्रकार का अन्याय है। उसके बाद है राष्ट्रीय गुणों की अवहेलना। हमारे राष्ट्रीय गुणों के अनुसार शिक्षा का आधार धर्म होना चाहिए, और इसे ही प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए। हस्तकला पर आधारित शिक्षा हमारे प्राचीन आदर्शों के विपरीत है। फिर है बुनियादी स्कूलों का असफल कार्य। यांत्रिक गणित और शब्द अभ्यास की हानि हो रही है। उसके बाद है दूषित कार्य विवरण। बुनियादी स्कूलों में 2/3 अथवा लगभग आधा समय विषय शिक्षण में लगता है, और शेष समय हस्तकला को दिया जाता है। प्राय कार्यपालिका में शिक्षण कार्य को समय हस्तकला के बाद दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि खेती का कार्य करके बच्चे थक जाते हैं और वे शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले पाते हैं। उसके बाद है किसी भी हस्तकला में निपुणता नहीं। विद्यार्थी लगभग स्कूल कार्य का आधा समय हस्तकला सीखने में लगाते हैं, फिर भी वे किसी भी हस्तकला में निपुण नहीं होते। मतलब वो टाइम
ज़्यादा लगा देते हैं और फिर भी वो कुछ नहीं सीख पाते। उसके बाद है हानिकारक प्रतियोगिता। इस योजना की हानिकारक प्रतियोगिता द्वारा कुशल कलाकारों को हानि होगी। उसके बाद है बालक की अवहेलना। हस्तकला की ओर अधिक ध्यान देने के कारण बालक की अवहेलना की जाती है। बुनियादी तालीम को मनोरंजन की अपेक्षा एक सामाजिक और आर्थिक कार्य समझा जाता है। हस्तकला केवल एक आदर्श है और इसका प्रयोग केवल विशेष अवसरों पर ही किया जा सकता है। साहित्य को दूसरा स्थान दिया जाता है। साहित्य और दूसरे महत्वपूर्ण ज्ञान के विषयों को दूसरा स्थान दे दिया जाता है। उसके बाद है बुनियादी तालीम से संबंधित कुछ व्यंग्यात्मक विश्लेषण हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। बुनियादी तालीम एक भूलावा है और इसके सिद्धांत त्रुटिपूर्ण हैं और ठीक प्रकार से नहीं समझे गए हैं। बुनियादी तालीम एक धोखा है, इसे शक्तिशाली लोगों ने राष्ट्र पर थोपा है। उसके बाद है बुनियादी तालीम एक भूल है, इसके कोई मनोवैज्ञानिक अध्यापन सिद्धांत नहीं है और यह एक राजनीतिक चाल है जिसके द्वारा राष्ट्रीय भावों से खिलवाड़ किया गया है। अब है बुनियादी तालीम एक तमाशा है, योजना प्रयोगात्मक नहीं है। हस्तकला का सामान एकत्र किया जाता है और जब अतिथि आते हैं तो इनका प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद शिक्षा आयोग ने 1964 से 1966 के बुनियादी शिक्षा के संबंधी विचार क्या है। नई पाठ्यचर्या और बुनियादी शिक्षा। शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा का महत्व इस प्रकार स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। उसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए एक नए प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था जिसका केंद्र शारीरिक श्रम तथा उत्पादक कार्य था और जिसका सामुदायिक जीवन में घनिष्ठ संबंध था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक ऐसी शिक्षा की प्रतिक्रांति थी जो भारत में दासियों सालों से के अंग्रेजी शासन में शिक्षा के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक ऐसी शिक्षा की प्रतिक्रांति थी जो भारत में दशियों सालों से अंग्रेजी शासन में परंपरागत प्रणाली पर बनी थी, जो अनुत्पादक तथा पुस्तकीय थी और जिसमें परीक्षाएं बहुत मुख्य थी। बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। हो सकता है कि उससे प्राथमिक अवस्था पर शिक्षा के रूप में कोई आमूल परिवर्तन नहीं आया हो, लेकिन इतना अवश्य है कि एक अधिक बड़े क्षेत्र में शिक्षा संबंधी विचार तथा व्यवहार पर उसकी गहरी छाप पड़ी है। हमारा यह विश्वास है कि इस प्रणाली की मूल बातें तत्वतः ठीक हैं तथा थोड़े संशोधन से उन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली के न केवल प्राथमिक अवस्था पर अपितु सारे ही अवस्थाओं पर शिक्षा का अंग बनाया जा सकता है। ये मूल बातें इस प्रकार है: शिक्षा के उत्पादक कार्यकलाप, पाठ्यचर्या के उत्पादक कार्यकलापों और भौतिक और सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध और स्कूल तथा स्थानीय समुदाय से घनिष्ठ संबंध। उसके बाद इसके हैं उत्पादक कार्य। जहाँ तक उत्पादक कार्य का प्रश्न है, आयोग ने कार्य अनुभव का प्रस्ताव रखा है जो बुनियादी शिक्षा के उत्पादक कार्य के समान ही है। आयोग के विचार में प्राथमिक अवस्था पर दोनों का रूप लगभग एक सा है और आयोग ने कार्य अनुभव को माध्यमिक स्कूलों में भी सम्मिलित करने की सिफारिश की है और उनके विचार से तो उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में भी कार्य अनुभव को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये संस्थाएं ही शैक्षणिक क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत किया करती हैं और इस अवस्था का कार्य अनुभव को प्रभावी रूप से तथा बड़े पैमाने पर शुरू करने से सफलता अवश्य मिलेगी। इस दृष्टि से आयोग ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य अनुभव के विशेष कार्यक्रम संगठित करना उपयोगी होगा। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, कुछ स्कूलों में स्कूल और कॉलेज में काम आने वाले वर्कशॉप संबंधी उपस्करों को तैयार करने का काम शुरू करना चाहिए। और सेकंड है, जहाँ तक चुनी गई विज्ञान और शिल्प विज्ञान की संस्थाओं की बात है, उनमें खास बात औद्योगिक और वैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम करना प्रत्येक दृष्टि से बहुत उत्साहवर्धक और लाभकारी होगा। संस्थाओं की परियोजना की प्रत्येक अवस्था से गुजरते हुए पूर्ण उत्पादन की अवस्था तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, कुछ संस्थाएं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आवश्यक फर्नीचर और शिक्षा साधन आदि के निर्माण का काम ही हाथ में ले सकती हैं। उसके बाद है सहसंबंध। सहसंबंध में बताया कि आयोग ने शिक्षा प्रणाली में यथासंभव सब जगह
सहसंबंध जो कि बुनियादी शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्थापित करने का प्रयत्न किया। बुनियादी शिक्षा का विचार रहा है कि प्राथमिक शिक्षा पर पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का शिल्प कार्य तथा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से यथासंभव निकट संबंध होना चाहिए और प्राथमिक अवस्था में से संबंधित हमारे विचार इससे बहुत मिलते जुलते हैं। हमने सुझाव दिया है कि माध्यमिक अवस्था पर कार्य अनुभव को पाठ्यचर्या और पर्यावरण में यथासंभव निकट सहसंबंध स्थापित किया जाए। उच्चतर शिक्षा की अवस्था पर हमने इस बात पर बल दिया है कि विषयों के चुनावों में अधिक छूट हो और विभिन्न विषयों को पढ़ने की सुविधा हो और शिक्षण तथा अनुसंधान का प्रयोजन स्थानीय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय समस्या को समझना और उसका समाधान करना हो। उसके बाद है स्कूल और समुदाय का संबंध। बुनियादी शिक्षा से तीसरी विशेषता स्कूल समुदाय से संबंध है। बुनियादी शिक्षा इस बात पर बल देती है कि स्कूल को ऐसे सजीव और क्रियाशील समुदाय के रूप में संगठित करना चाहिए जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यकलापों के सजीव कार्यक्रम हों। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक अच्छे स्कूल को इसी रूप में अपने सामाजिक जीवन का संगठन करना चाहिए और स्थानीय सामुदायिक जीवन में स्कूल का सक्रिय रूप से भाग लेना बच्चों को सामाजिक विचार वाले तथा सहकारी छात्र बनाने में और भी महत्वपूर्ण होता है। अनेक विद्यमान बुनियादी स्कूलों में आसपास के इलाके के लोगों की सेवा करने के संबंध में अत्युत्तम उदाहरण सामने रखे हैं और जैसा कि हमने बताया है कि सामुदायिक जीवन और सामाजिक सेवा में भाग लेने का कार्यक्रम अब भी अवस्थाओं पर शिक्षा का अभिन्न अंग बनना जाना चाहिए। हमारे माध्यमिक स्कूलों में तथा कॉलेजों को तथा प्राथमिक स्कूलों को बाहर सामुदायिक जीवन की निकट स्थापित करना चाहिए और सामाजिक कार्य और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भाग लेना चाहिए ताकि छात्रों के अनुशासन की भावना जागे और वे शारीरिक श्रम तथा गौरव समझें और सारे समुदाय और राष्ट्र के प्रति आभारी व जिम्मेदार होना सीखें। आयोग के विचार में बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनसे सभी अवस्थाओं का हमारी शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन होना चाहिए और हमारे प्रस्ताव का सार यही है और इस कारण हम शिक्षा की किसी भी एक अवस्था को बुनियादी शिक्षा कहने के पक्ष में नहीं है। अब है इसका उपसंहार। गांधी जी ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि लोग उनकी योजना को बिना विचारे स्वीकार कर लेंगे और वे स्वयं ही अपनी ही निजी विचारधारा के कटु समालोचक थे। उन्होंने लिखा था कि तुम मेरी योजना के प्रति मेरे केवल अपनी कुछ श्रद्धा के कारण स्वीकार मत करो, पूर्ण परिपक्व विचार के पश्चात ही योजना को स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे कि कुछ समय बाद उसे छोड़ न दिया जाए। यद्यपि गांधी जी चाहते थे कि सारे विषय किसी हस्तशिल्प के माध्यम से पढ़ाए जाने चाहिए, परंतु वे यह महसूस करते थे कि ये सभी विषय किसी प्रकार नहीं पढ़ाए जा सकते। इसलिए उन्होंने लिखा था कि हम यथासंभव अधिक से अधिक विषयों में शिक्षा तकनीक के माध्यम से देंगे। इस योजना में शिल्प के लिए नहीं सिखाया जाता बल्कि प्रयोजन यह है कि रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति, कुछ निर्माण करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवहारिक कार्य तथा करते हुए सीखने के मार्ग बालक के लिए खुल जाएं। यह प्रणाली औद्योगिक उन्नति में रुकावट नहीं डालती क्योंकि व्यवहारिक दक्षता अवलोकन और रचनात्मक कार्य के अभ्यास से औद्योगिक प्रशिक्षण तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बालक की जैसी तैयारी होगी वैसी किसी भी ढंग से नहीं हो सकती। उसके बाद है गांधी जी विद्या की मशाल को देश के दूर से दूरस्थ भागों में ले गए। उन्होंने निर्धन ग्रामवासियों को धीरज बंधाया तथा आत्म सम्मान की भावना जागृत की और उन्हें जंग खाई वे सामाजिक राजनीतिक धार्मिक बेड़ियों के बंधन से मुक्त करवाया। गांधी जी ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा इस अलौकिक लोह को न केवल भारत के लिए अपितु सारे संसार के लिए ही जगमगा दिया है। हमारे हृदयों में एक अमूल्य बपोती के रूप में सुरक्षित रहेगी तथा हमारे अध्यापक एवं विद्यार्थी उनके को सारे संसार में फैलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार राष्ट्र के लिए गांधी जी की अनेक देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सबसे महान है। यह तरुण व्यक्तियों को सहयोग, प्रेम, सत्य के आधार पर एक समुदाय के रूप में रहने की शिक्षा देकर नए समाज के लिए नागरिकों को तैयार करने का प्रयत्न करती है। उसके बाद जाकिर हुसैन स्मिथ के अनुसार गांधी जी ने अपनी शिक्षण विधि में सहयोगी क्रिया, नियोजन, यथार्थता, पहलकदमी तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल दिया। डॉक्टर MNS पटेल ने गांधी जी के शिक्षा क्षेत्र में देन के बारे में लिखा कि गांधी जी ने उन महान शिक्षकों तथा उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र को नई ज्योति प्रदान की है। ग्रीन का कथन था कि
पेस्टोलॉजी वर्तमान शिक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था। यह बात पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में सत्य हो सकती है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन इस बात को सिद्ध करता है कि वे पूर्व में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं।